जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूं झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। आज झांसी के रक्षा क्षेत्र में नया सवेरा ट्रस्ट की ओर से VPL क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आयोजन किया गया, जिसके आयोजक माननीय श्री यशपाल सिंह यादव रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, श्री दीप नारायण सिंह यादव, तनवीर आलम पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। BPL क्रिकेट टूर्नामेंट में बबीना वॉवर्स की टीम व रक्सा रॉयल चैलेंजर्स की टीम ने के बीच बहुत ही शानदार पारी का आयोजन हुआ, जिसमें रक्सा रॉयल चैलेंजर्स की टीम विजेता रही, जिसमें टीम के कप्तान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें टीम के कप्तान आशीष यादव मैन ऑफ द मैच रहे। विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। झांसी से संवाददाता पारस शर्मा के साथ नईम खान की रिपोर्ट। आपका बबीना क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि झांसी के शानदार आयोजन रक्षा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक शानदार आयोजन भाई यशपाल जी ने कराया, इसको IPL की तर्ज दे सकते हैं, कह सकते हैं। और हम सब लोगों ने उम्मीद पाली है कि ऐसे ही खेल के प्रतियोगिताओं के माध्यम से देश को बड़े खिलाड़ी मिले। ईश्वर से प्रार्थना की है कि इस खेल के मार्फत ही देश को कोई बड़ा खिलाड़ी मिले। झांसी से उम्मीद करते हैं शानदार आयोजन के लिए एक बार फिर यशपाल जी को बधाई। यशपाल यादव जी ने जो बबीना टीम में का आयोजन किया है नए सवेरा के तत्वान में, और हम आशा करते हैं बहुत शानदार ये आयोजन युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वक्त में ऐसे आयोजन और बड़े स्तर पर होते रहेंगे, जिससे हमारे झांसी का नाम जो है पूरे प्रदेश में होगा, अपने देश में होगा। झांसी ने अनेकों ऐसे खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिए हैं जिन्होंने देश में तो नाम किया गया और साथ में पूरे विश्व में भी नाम किया, जैसे कि ध्यानचंद हैं, खंडेकर साहब हैं, ऐसे जाने कितने नाम हैं जिनको हम आज नाम लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी झांसी ने दिए हैं पूरे देश और प्रदेश को। इसी तरह ये छोटे छोटे टूर्नामेंटों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, नए नए खिलाड़ी अपने स्किल को और पॉलिश करते हैं। आने वाले वक्त में हम ऐसे आयोजन और कराते रहेंगे और युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेंगे। यश भैया जो है मेरे आदर्श हैं, मेरे बड़े भाई हैं, काफ़ी अच्छी उनने ये सोचा है नए लड़कों के लिए खेलने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ करा है उनने, व्हाइट बॉल से करके टूर्नामेंट बहुत कम लोगों को खेलने मिलता है, इतना अच्छे स्तर का टूर्नामेंट उन्होंने कराया, काफ़ी अच्छा आयोजन है और यही है कि कोशिश करेंगे फाइनल जीत के लिए।